So welcome guys. So today we are going to take a simple program using scanf. Okay, तो scanf समझ लेने के लिए एक प्रोग्राम ले रहे अपन. प्रिंट करना है हमें एक इंटीजर. ओके, हम कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं. प्रिंट एनी इंटीजर कैरेक्टर और एनी डबल फॉर्मेट वैल्यू विच इज एंटर्ड बाय द यूजर. ओके, सो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द यूजर, मीन्स फ्रॉम द टर्मिनल. ओके, सो फॉर दैट वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम. बेसिक ही प्रोग्राम है बट बहुत कुछ समझा जाता है स्टार्टिंग में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंक्लूड. तो ये इंक्लूड यूज़ क्या होता है मैंने आपको बताया था. इंक्लूड प्री प्रोसेसिंग के टाइम हेडर फाइल इंक्लूड कर देता है, जो कि हम इस क्या बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर के बीच में डालते हैं. ओके, stdio.ah ये हमारा हेडर फाइल है. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का इंट मेन इज अवर एंट्री पॉइंट फंक्शन. वी आर राइटिंग रिटर्न जीरो. ओके, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही रिटर्न जीरो कर रहे हैं हम. सही है. ओके, नाउ वी हैव टू पुट अ मैसेज टू द यूजर. व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जब, तो हमें यूजर को एक मैसेज दिखाना है कि प्लीज एंटर द नंबर. ओके, सो फॉर दैट आई एम राइटिंग द प्रिंट एफ. ओके, प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि हेडर फाइल में इंक्लूड है, थ्रू विच वी कैन प्रिंट द थिंग्स. ओके, सो आई विल राइट हियर एंटर द नंबर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रन दिस कोड. ओके, उसके बाद हेलो 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 जाएंगे. यार टाइम तो बहुत है अपने पास. सीडी हो गया क्या? सीसी इनपुट डॉट सी. ओके, सो कंपाइल हो गया. डॉट स्लैश ए डॉट आउट बिकॉज मैं बाय डिफॉल्ट. ओके, सो एंटर द नंबर प्रिंट हो गया जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था. अभी हमें टर्मिनल को रुकना है. जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक हमें प्रोग्राम कंटिन्यूस चालू रखना है ना. सो फॉर दैट देर इज अनादर लाइब्रेरी फंक्शन दैट इज कॉल्ड स्कैन एफ. ओके, स्कैन एफ बेसिकली इनपुट लेने के लिए यूज होता है, प्रिंट एफ इनपुट प्रिंट करने के लिए होता है. मीन्स प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ होता है, स्कैन एफ स्कैन करने के लिए होता है. ओके, स्कैन के वर्ड थ्रू भी हमें पता चल ही सकता है ना. सही है वो भी. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिक्लेयर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक जगह डिक्लेयर करनी पड़ेगी. ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. मैं सिर्फ फिर ए ही लेता हूँ. वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मुझे उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा. ओके, सो मैं इंट टाइप का डेटा टाइप लेता हूँ बिकॉज हम यूजर के पास से फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए तो इंटीजर ले रहे. सो इंट ए. ओके, सो मैंने क्या किया, अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया. सो दिस इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कौन से डेटा टाइप का? इंट डेटा टाइप का. नाउ अभी हमें उस वेरिएबल में ये जो जगह हमने बना के रखी ना, उस जगह में मुझे यूज़र के पास से एक वैल्यू लेनी है और वो इसमें स्टोर करनी है. तो उसके लिए स्कैनफ का एक सिंटैक्स है. अभी मैं इधर एसएफ लिखता हूँ. स्कैनफ क्या बोलता है कि पहले मुझे बताओ कि कौन से डेटा टाइप का तुम डेटा ले रहे हो यूज़र से. ओके, तो पहले मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे इंटीजर फॉर्मेट का डेटा चाहिए. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव फॉर्मेट स्पेसिफायर. तो स्कैनफ के फंक्शन में हमें पहला आर्गुमेंट क्या पास करना पड़ता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि लाइक परसेंट डी परसेंट सी. आप ये सर्च करो. ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उस स्कैन एफ उसके थ्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्गुमेंट होगा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर. उसके बाद जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो हमारा जो वेरिएबल है डिक्लेयर्ड वेरिएबल, उसका एड्रेस चाहिए स्कैन एफ को. ओके, तो एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं? एंड के थ्रू. एंड ऑफ ए मीन्स वी आर गेटिंग द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल ए. ओके, सो स्कैनफ को इतने दो आर्गुमेंट्स लगते हैं तो हमें वो पास करने पड़ेंगे. तभी स्कैनफ को पता चलेगा कि यूज़र के पास से जो वैल्यू वो लेगा वो किधर स्टोर करना है. बेसिकली इधर स्टोर करना है ना, जिधर हमने डिक्लेयर किया था वेरिएबल. सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर स्कैनफ. ओके, नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द फॉर्मेट स्पेसिफायर टू द स्कैनफ विच इज परसेंट डी. ओके, मैं इसका सिंटैक्स भी लिख देता हूँ इधर. चलो सही है, उसमें भी क्या नहीं. फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या पता चलेगा स्कैनएफ को कि कौन से टाइप का डेटा है. और लास्ट सेकेंड आर्गुमेंट क्या है? एक्चुअल एड्रेस. ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया इंटीजर का, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट डी। अभी मुझे दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करना है, उस वेरिएबल ए वेरिएबल का एड्रेस पास करना है, तो मैं क्या करूँगा एंड ऑफ ए। ओके ये तो हमने ले लिया, अभी मुझे प्रिंट करना है कि यूज़र ने कौन सा वैल्यू दिया है, तो मैं फिर से प्रिंट एफ लिख देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी इस टाइम मुझे वेरिएबल को प्रिंट कराना है। ओके एंटर्ड नंबर इज, ओके एंटर्ड नंबर ऐसा मैसेज डालेंगे, एंटर्ड नंबर इज। ओके तो एंटर किया हुआ नंबर क्या है वो अभी वेरिएबल में स्टोर है, जैसे कि अभी हम इधर इमेज में देखा है, अभी वेरिएबल में स्टोर है 4, तो मुझे ये वेरिएबल प्रिंट करना है। तो ये वेरिएबल प्रिंट करने के लिए सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इन रिकर्शन फॉर्मेट, इन अपोजिट फॉर्मेट। तो प्रिंट एफ क्या बोलता है, आप भी परसेंट डी लिखो, मतलब आप भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखो एज ए स्ट्रिंग में डबल कोट में, बट आप उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट एफ रिप्लेस कर देता है वेरिएबल के थ्रू। सो दिस इज द प्रिंट एफ का सिंटैक्स। ओके सो दिस इज द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम। ओके वी विल कंपाइल द प्रोग्राम, नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। एंटर द नंबर, टर्मिनल आके रुका है बिकॉज स्कैन एफ ने प्रोग्राम अपना स्टक कर दिया है, स्कैन एफ इज वेटिंग फॉर द इनपुट ना, सो वी विल गिव द इनपुट 5। ओके एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट हुआ आफ्टर स्कैन एफ और लास्ट लाइन प्रिंट हुई, एंटर नंबर इज 5। ओके दैट्स द थिंग अबाउट प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। स्कैन एफ इज ऑल्सो एन लाइब्रेरी फंक्शन। ओके सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, सो थैंक यू।